क्लास 10th मैथ बेसिक सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 है। गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी देन टैन थीटा इज इक्वल टू। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो ओरली भी सॉल्व कर सकते हो और आंसर टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। लेकिन आइए मैं थोड़ा आपको समझाता हूं आपको क्या होगा। दो मिनट आपको टाइम दिया गया है क्वेश्चन के लिए, 2 मिनट ना, मतलब मैं बोलता हूं 20 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन है। एबीसी कोई ट्राइंगल होगा, ठीक है, यहां का एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ऐसा ही होगा ना। साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बाई थीटा ही है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बाय बी, यानी परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है कितना है, पी है। परपेंडिकुलर कितना दिया है, सॉरी, ए दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना दिया है, ए दिया है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर दिया है ए, और हाइपोटेनस बड़ा लेंथ वाला साइड कितना है, बी बी बी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, हमसे क्या पूछा है, टैन थीटा पूछा है। टैन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमें दिया हुआ है भाई, ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होने वाला है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेस। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का फॉर्मूला होता है कि अगर आप इसे देखोगे, इसको निकालना है तो इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर करोगे, यानी जब भी स्क्वायर होगा हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर माइनस होगा तब हमारा बेस निकलेगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ए तो नहीं हो सकता ना भाई, इससे तो इसमें माइनस नहीं ना करोगे। तो आप अगर इसे चाहो तो 20 सेकंड से कम में आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है किसका, ये ट्रिग्नोमेट्री का। आइए मैं थोड़ा आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। यहां पे क्या होगा हमारा, यहां पे हमारा होगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनस स्क्वायर था इधर गया तो रूट में, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ए है ना, परपेंडिकुलर कितना है, और सॉरी यहां तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है ना। एक सेकेंड, बेस अगर हम लोग यहां से देखें तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, और माइनस में आ गया तो हमारे पास हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम लोग देखिए बी, बेस हम लोग का हो गया, ठीक है, बी क्या है हमारा, बेस है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं हमारा क्या है, बेस है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाइपोटेनस क्या है, बी, तो हमने लिख लिया बी का स्क्वायर, और माइनस परपेंडिकुलर क्या है, ए स्क्वायर, यानी ए कितना आया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए हमारा क्या निकल गया, बेस निकल गया। तो बेस अब यहां हम लोग पुट कर सकते हैं, कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इतना आप क्यों करने जा रहे हो भाई, इतना क्यों टाइम, इतना क्यों बर्बाद कर रहे हो, एक बार जब आपको समझ में आ गया तो आप नंबर डी टिक करो और निकलते चलो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फटाफट से देख लीजिए। साथ ही साथ अगर इसके हैंड रिटन पीडीएफ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन के, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फटाफट से हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं।